ती मार पाहिजे. हो ना, मी घेतला बा. फिर वो स्टेशन पे फेंक दिया और घर पे फोन रहता क्योंकि किसी को मेरा शक ना हो जाए. Mahek, yeah. Where are we doing it? We will do it over here. Only. You want me to wear the shoes? Yeah. Yeah, we can do it. कुछ नहीं, आज मैं क्राइम पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली हूँ, तो आई विल बी एंकरिंग विद अनूप जी. आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंकरिंग? हाँ हाँ. प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, अभी मुझे स्क्रिप्ट मिला तो उसी के दिमाग में वही चल रहा है. यूजुअली तो एक्सरसाइज करती हूँ, दौड़ने जाती हूँ, योगा करती हूँ, पर आई थिंक इट्स बिन अ मंथ. मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मुझे कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिला है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिशिंग प्रमोशंस एंड स्टार्टिंग माय एक्सरसाइज रूटीन अगेन. मैं तो अभी तक मिला भी नहीं हूँ, अभी मिलूंगा उनसे जाकर. लेकिन हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड इंटीग्रेशन कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं हमारे क्राइम शो से जुड़ी हुई होती हैं. तो आई थिंक अगर ऐसे फिल्मों का इंटीग्रेशन होता है तो वो एक सब्जेक्ट के साथ यू नो अच्छे से कोलाइड कर जाता है. ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ द ब्लू. अगर कोई कॉमेडी फिल्म का इंटीग्रेशन अगर क्राइम पेट्रोल के शो में होगा तो शायद बहुत ऑड लगेगा. लेकिन आई थिंक ये फिल्म जिस तरह की है, ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हम जिस तरह की एथिकल बातें लोगों से करना चाहते हैं जो सोसाइटी में क्राइम को लेकर, आई थिंक उससे रिलेटेड है. सो आई थिंक इट विल बी गुड फन एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. इट विल बी नाइस टू को-होस्ट विद हर. फिल्म का सब्जेक्ट फोबिया है, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा फोबिया है जो आपको इस कैरेक्टर? अरे बहुत फोबिया होते हैं, बहुत फोबिया होते हैं. हाइट का बहुत फोबिया है मुझे. मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है एक अजीब सा डर लगता है. बहुत सारे लोगों को होता है. और भी बहुत छोटे छोटे फोबियाज हैं, बहुत मतलब गिनती नहीं है उनकी. लेकिन आई थिंक वो फोबिया एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जितना उनको अपने ऊपर बढ़ने देते हैं वो उतने हम पर हावी हो जाते हैं. सो यू हैव टू फाइट विद. बोरीवली से विरार के अलग अलग स्टेशन के बीच ट्रैक के पास शरीर के बाकी हिस्से मिले सिवाय सर के. जिसने भी ये कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि इस आदमी की शिनाख्त ना हो पाए, और इसीलिए उसने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए थे. पुलिस के लिए एक बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल, एक पहेली हल करने के बराबर थी. आखिर कौन था यह आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा? या शायद वो दिमागी रूप से बीमार होगा. वो जो भी था बहुत शातिर था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और वो अपनी छानबीन में जुट गया.